22 वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव मैं हूं अभिषेक मिश्रा राजद सुप्रीमो लालू यादव की किताब गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी से शुरू हुआ राजनीतिक खुलासों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है लगातार कई राजनीतिक खुलासे हुए हैं इस खुलासे के बाद कि नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर लालू यादव से दोबारा दोस्ती चाहते थे बिहार की राजनीति में एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है इन खुलासों के बाद और लगातार वार पलटवार सामने आ रहे हैं हालांकि इस खुलासे के बाद नीतीश कुमार ने खुलकर कुछ नहीं कहा है लेकिन खुलासे लगातार हो रहे हैं अब तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा खुलासा कर दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार की जब बात नहीं बनी लालू यादव के साथ यानी प्रशांत किशोर मध्यस्थता कर रहे थे कि नीतीश कुमार की दोस्ती लालू यादव से दोबारा हो लगातार 4-5 बार मुलाकात हुई थी बात हुई थी और जब प्रशांत किशोर इसमें असफल रहे लालू की दोस्ती नीतीश से दोबारा कराने में सफल नहीं हो सके तो प्रशांत किशोर कांग्रेस की डेहड़ी पर टहलने लगे थे यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं यह दावा नहीं कर सकता एग्जैक्ट जो तेजस्वी यादव ने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं उस टीवी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि प्रशांत किशोर की बात कांग्रेस के आला कमान से हुई है लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मिले थे बातचीत हुई थी और नीतीश कुमार चूंकि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसलिए प्रशांत किशोर ने यह बात भी रखी थी कि कांग्रेस का माफ कीजिएगा जेडीयू का कांग्रेस में विलय हो जाएगा और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार दोनों तैयार थे जेडीयू का कांग्रेस में विलय के लिए ताकि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सके ये तेजस्वी यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में बयान दिया है आपको बता दें कि इससे पहले भी लालू यादव की किताब में ये खुलासा हुआ है लालू यादव ने अपनी किताब में लिखा है कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा और बीजेपी से दोस्ती गांठी तो उसके 6 महीनों के अंदर वो दोबारा बीजेपी को झटका देकर महागठबंधन में एंट्री चाहते थे हमसे दोस्ती चाहते थे यानी लालू यादव से दोस्ती चाहते थे लेकिन चूंकि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर जा चुके थे और हमें नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था इसलिए मैंने नीतीश से दोबारा दोस्ती नहीं की और इस लालू यादव के इस आरोप पर नीतीश कुमार ने खुलकर कुछ नहीं कहा लेकिन प्रशांत किशोर सामने आए क्योंकि जिक्र प्रशांत किशोर का भी था लालू यादव ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रशांत किशोर लालू और नीतीश की दोस्ती के लिए मध्यस्थता कर रहे थे और लगातार 5 बार हमसे मिले थे बातचीत होती थी प्रशांत किशोर ने इस आरोप को खारिज किया है इस खुलासे की सत्यता पर सवाल उठाए हैं इसकी सत्यता को खारिज किया और कहा कि लालू यादव ने यह बात गलत लिखी है क्योंकि लालू यादव राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं इसलिए इस तरह की बात अपनी किताब में लिख रहे हैं और प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं प्रशांत किशोर पर फिर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया फिर तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया हाल के दिनों में फिर राबड़ी देवी ने यह खुलासा किया कि मेरी उपस्थिति में प्रशांत किशोर मिलते थे लालू यादव से और यह बात होती थी चूंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसलिए प्रशांत किशोर यह कहते थे कि लालू से नीतीश की दोस्ती दोबारा हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो अब इन तमाम राजनीतिक लड़ाई के बीच में एक और खुलासा हो गया है खुलासों के सिलसिले में एक और खुलासा हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की ड्योड़ी में टहल रहे थे जब नीतीश कुमार लालू यादव से उनकी बात नहीं बनी थी और कांग्रेस में विलय चाहते थे जेडीयू का प्रशांत किशोर जेडीयू उसके लिए तैयार थी नीतीश कुमार इसके लिए तैयार थे क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो एक टीवी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने यह खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद जाहिर है बिहार की राजनीति गरमाएगी बिहार की राजनीति का उबाल और बवाल और तेज हो जाएगा तो इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद